हलवानी जनल कहूँ अच्छा तो भैया का बात लाग गई, भैया का बात लाग गई। देखा कहानी कहाँ से कहाँ तक मोड़ लेत भी। रामनाथ दौड़ धूप करे लगलन, नतीजा ये निकला कि रामनाथ गोरखपुर में बहाली निकली है और गोरखपुर में जा कर के वो जवान 6 फुट का रामनाथ उस समय इंटरमीडिएट का छात्र था, जाके लाइन में खड़ा भैलन हम मेजर देखते जो बहाली ले रहा था कर्नल, वो देखते ही जा कर के कंधे पर ठोक कर बोला कि क्या जवान देश की सेवा करना चाहता है। आए है, है। रामनाथ का करेजा हरियर हो गया। भगवान खुदा न खास्ते, भगवान का माया कुदरत का देन, आज रामनाथ भर्ती हो गई लगी, फौज में भर्ती भइलन। घरे अइलन भैया का गोड़ चुमत हुआ, भौजी का गोड़ चुमत हुआ, का भइल भैया? रामनाथ कहला कि भैया तुम्हार सपना साकार हो गल, हम भर्ती हो गई ली और 10 दिन के बाद हमें ट्रेनिंग में जाना हो, 10 दिन के बाद हमके ट्रेनिंग में जाए कहो। बड़ी खुश भइलन बड़का भाई जगदेव पहलवान, बड़ी खुश भइलन। अच्छा ता गोरखपुर में जाके ट्रेनिंग कैलन है रामनाथ, 100 रुपया का पुरस्कार, वही बब्बू बाबा जोगेश्वर नाथ, बाबा जोगेश्वर नाथ चकिया चंदौली से, नरियर पानी के दुकानदार, बहुत बहुत धन्यवाद बाप, प्रणाम बाप। है तनी बतिया समझ ला, बहाली हो गया रामनाथ, 6 महीना जाकर के गोरखपुर में ट्रेनिंग किया, सर्विस करे लगलन, ड्यूटी पर ड्यूटी लागे लगल, अभी अनमेरिड हूँ, 2 बरस बीत गई। बड़का भैया बोला के कहलन कि सुनो अब बहुत कुछ हम बहुत लोगन के अब खियावत खियावत हूँ जा गई है, तू अपन शादी कर ला। और अइलन छुट्टी लेके रामनाथ फरवरी में अइलन, अब मार्च में उनकर शादी हो गई बगले के राजकुमारी नाम के लड़की से, बगल के गांव में राजकुमारी नाम के लड़की से शादी भइल बा, बड़ी सुखमय से जिंदगी बीतत बा। 2 बरिस और गुजर गई, तब तक इनका ड्यूटी लाग गई जम्मू में, आ जम्मू में ड्यूटी लगल बा, छुट्टी बिता के जात हूँ, छुट्टी बिता के जात हूँ, मेहरारू के समझावत हूँ कि देखा एक काम करिया कि शांति का सपना देखिया, शांति के नींद सुइया, हमार प्यार के निशानी तोरे पेट में पलत हो, कल जाए वाला हूँ, आज समझावत हूँ रात के, कल छुट्टी खत्म हो गई बा, समझावत हूँ कि हम जात बानी, हमार छुट्टी खत्म हो गई, भाइयों का तबीयत ठीक ना रहत बा, तू ध्यान से रही अपने शरीर का ख्याल करिए, डॉक्टर बोल ले हूँ महीना महीना जाके चेक करावे कहो बलिया अस्पताल में बाबा, और भगवान से यह दुआ करत है कि हम हमार जो नी प्रेम का निशानी तोरे पेट से निकले तो पहला बेटी के रूप में निकले। क्या बात है, कितनी बड़ी सोच है, आज हिंदुस्तान को सीख दिया जा रहा है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरु रामनाथ पहलवान से सबकर तमन्ना वाला लड़का, हमरे लड़का होके उनकर तमन्ना बा कि हमरे लड़की होके, जाए लगलन बोलोलन बगल में शिवकुमार नाम के बहने बा, वही शिवकुमार बहने के बुला के कहलन कि भैया हम तो ड्यूटी पर जाते ही हमार छुट्टी खत्म हो गल, आ तनी अपने मामी के तू देख रेख करत रहिए, टाइम टाइम से ले जाके बलिया चेक करावत रहिए। समय भी बीतता गया, जा करके रामनाथ जम्मू में ड्यूटी करने लगा,
महीना, तीन महीना, चार महीना, छह महीना, नौ महीना के दिन इलाज वो दिन आ गई जो उनकी रामनाथ के दुल्हन प्रसव पीड़ा से परेशान भे। बहने श्री कुमार किसी तरह से वहाँ चंदू पाकर चट्टी से अपनी मामी को लेकर के बलिया हॉस्पिटल में आया है। और बलिया हॉस्पिटल में जब ले आई बा तो उनकर मेहरारू श्री कुमारी नाव के जौन औरत पे बड़ी सुंदर खूबसूरत एगो गुड़िया के जन्म देले बे। वाह रे भगवान, देखे भगवान की कितनी लंबी बाह है। सुंदर गुड़िया की जन्म देती है जो रामनाथ चाहता था कि मेरी बेटी ही हो। सुंदर गुड़िया के जन्म देले बे घर पर ले लेना जच्चा बच्चा दोनों ठीक हुआ। लेकिन श्री कुमार फोन करत हु मामा के बतावत हूँ तरज बा का तरज का लाइन बा मास्टर और पड़ जा चकिया चंदौली। बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम बा। तनी बात समझ ला, फोन ड्यूटी पर वर्दी कसले हुए रामनाथ ड्यूटी पर जा रहा हूँ तब तक फोन का घंटी बजल बा। फोन उठौले पर हेलो कहने का आवाज आई पा लगी मामा कला जी भैया का हाल बा घर का कलश की एकदम सो रहा ना फर्स्ट क्लास कलन के रे तोरा मामियों का दिन पूरा हो गई लल टाइम हो गई बा कुछ का कोनो नया समाचार कलश के हाँ मामा नया समाचार बा तोरा बड़ी सुंदर एगो लड़की भइल बे। आय हाय 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 दिल गदगद हो गया। वर्दी पहना था जवान अब राइफल उठाया था ड्यूटी पर जाने के लिए राइफल को लेकर के सुनता है वो फौजी जवान और ऊपर हाथ करके कहता है कि या मालिक या भगवान तूने मेरा सुन लिया। कालस बहनवा की मामा ये कही गड़बड़ हो गल। श्री कुमार बोलत बा फोने पर ये कही गड़बड़ बा कहला की का रे लड़किया अपंग बेका कलश की ना मामा लड़की ते तार एकदम फूल जैसन सुंदर कलन की जच्चा बच्चा दोनों ठीक हुआ ना कलश की एकदम ठीक गड़बड़ का बा कि घरवाल लेके अली अस्पताल से पंडित जी के बुलावल गया पंडित जी पतरा देखल लड़किया मूर में पड़ गई सतैसा में पड़ल बे आ सतैसा में तोहरे मूर देखे आवे के पड़े। कलन की चिंता मत करी हा का बतावत हुआ वादा कैले में जब हम याद के हमारी बेटी के सतैसा ढूंढा मेजर साहब आज के हम आई बेटी के सतैसा धूमधाम से मनाई दोनों प्राणी लेके भी बुआ से रम में जाई दोनों प्राणी लेके भी बुआ से रम में जाई कितना दशा तो है बुआ ने बुलाई
तनके करे सेवकाई, झूमी झूमी पाटा खाई, दो तनके करे सेवकाई। श्री कुमार कहिया मुर देखे का बा, कहिया से तैसा पढ़ल बा, कालन की। अब एक मिनट तनी मान जा बाबा, मान जा, बहुत बहुत ना बैठा, गनवा सुना हमार। पैसा तो आप लोग बहुत देला, बात सही रहा, अगर पैसा कुल धैल रह तो घर भर जात, लेकिन आपका प्यार है दुलार आप लोग कही गवैया बड़ ना होला भैया। हम सब ये कहिला केहू गवैया बड़ ना हो, बड़ छोट ना हो। 500 रुपये का पुरस्कार हमारे गुड्डू भैया गोरखपुर से, और 100 रुपये का पुरस्कार बब्बू बाबा वही बाबा जोगेश्वर नाथ चकिया चंदौली से, दोनों भैया लोगन के बहुत बहुत प्रणाम बा। पैसा कौड़ी गवैया केहू बड़ छोट ना होके, हम अपना के बिरह जगत में सबसे छोटा गवैया मानिला, सबसे छोटा, बड़ा छोटा आप लोग बना ला, जमीन से लेके आकाश में आप लोग उड़ावे ला, ये आप लोगन को दुलार है प्यार है, केहू का केहू बात सुने का तैयार नहीं खे, लेकिन ये जमाने में आप लोगन खड़ा करा के बात सुना तरह ऐसे बड़ा इनाम कुछ ना होला दुनिया में, ऐसे बड़ा इनाम कुछ नहीं। हम एक गरीब के लड़का हैं, वास्तव कहते हैं जिंदगी की कहानी, मैट्रिक तक हमने, मैट्रिक तक परिवार वालों के खर्चा से पढ़ा गरीबी में, लेकिन आप लोगों के पैसा से मैंने इंटर किया, बीए किया, एलएलबी तक किया, आप लोगों के पैसा से। बिरहा गाते हुए आप लोगों ने जो पैसा देता था मैं पढ़ता रहा, वो दिन मैं कैसे भूलूंगा। छोड़िए अभी ये सब बात, हम लोग लाइन पर आए, सब भैया लोगन के बहुत बहुत प्रणाम बा, मालिक सुखी रखे, आशीर्वाद में शांति देंगे। कलन की भैने श्री कुमार मूर कहिया परल बा, ठीक ठीक, 100 रुपया का पुनः पुरस्कार बाबा के तरफ से, बब्बू बाबा बाबा जोगेश्वर नाथ चकिया चंदौली से, नारियल पानी का दुकान बा, कितना प्रेम बा, कितना प्यार बाटे, ई दुलार प्यार बा। तनी बात समझ ला, कलन की कहिया मूर पड़ल बा, बहने फोन पर बतावत बा कि 9 तारीख का मामा, कलन की चिंता मत कर, हमार कैजुअल छुट्टी बचल बा, जेके सीएल कहल जाला, आप लोग जानते होंगे, बोले कि मेरा सीएल कैजुअल छुट्टी बचा हुआ है, 20 दिन का छुट्टी लेकर किसी भी हालत में मैं चलाऊंगा, 9 तारीख को मूर देखना है, 8 तारीख को मैं आ जाऊंगा, 8 को शामो शाम तक आ जाऊंगा, नहीं तो 9 को सुबह में चलाऊंगा जरूर घर पर, लेकिन एक काम करना श्री कुमार, होने पर बात होत मा, कलन की का मामा, कलन की बड़ा प्यार से भगवान जौन मंगली तौन दियलन हमारा बेटी भइल बे, और सतैसा में पड़ गइल बे, हम मूर देखे आवत बनी, आज के आ जाई तब बड़ी केहू छूटे करना चाहिए, हित नात संगी साथी सबके नेवता दे दिया, सबके नेवता दे दिया, सबके द्वारे पर बुला के भाई भवत के भोज होई, आ शौक से भोज होई, भगवान अब कोनो चीज का कमी ना देले हूँ, भैया से बता दिया कि चिंता मत करियन, जवन करे के होई तवन करिया, लोग हम आई तो पैसा दे, कोनो बात ना बा। कालस भैया बहने बतावत बा कि मामा तू चिंता मत करा, तू टाइम से चलिया, यहाँ सब कुछ व्यवस्था बा, बड़का मम्मा सब कुछ व्यवस्था कर चुकल हो, हित नाथ का सब न्योता पठा दे बन, भाई भगवत का न्योता दे दिले हूँ, और तुहरे इंतजार रही कि तू 8 तारीख के टाइम से आ जा, कालन फोने पर बात हो तो
कलम रामनाथ के एसी कुमार एगो काम करिए औरी कलन की अब काम उमा आ तई कुल तो ठीक है बा भोज भात होके बकरी हितनाथ जुटले रही है दोरे रतिया में कुछ मन साइन कर दिए कलश की मन साइन कलन की हाँ रे गवनी गीत गाना का प्रोग्राम कुछ रख दिए कलश की मामा कैसन गीत गाना का तो कलन की अहिर के द्वार पर बिरहे निक लगेला बिरहे रख दिया फोने पर पूछा तरसी कुमार की मामा केकर केकर बिरहा हुई कलन की देख वो हमनिये के जिला का बलिये का परशुराम यादव हूँ एगो उनके कह लिया एगो बिहार वालों ऊपर कसवा के कह लिया फोने पर कहत हूँ फोने पर बातचीत होत हो अच्छा तब परशुराम भी तय हो गईलन ओम प्रकाश भी तय हो गईलन डेट फिक्स हो गई 9 तारीख का आना हो मुर देखना हो इतने में हो खलका बाबू घटना घट जाती है देखें कुदरत की देन क्या घटना घटती है उस इंसान के साथ यही उग्रवाद जिस उग्रवाद की मैं बात कर रहा था आप लोगों से कर्नल बुलाया है उस फौजी को शाम को पार्टी हुई है 2 दिन पहले पार्टी चली थी अपने सब कुछ पार्टी में खिलाया था सबको पता था यूनिट के लोगों को कि रामनाथ की बेटी हुई है बेटी का पार्टी दिया है कर्नल से छुट्टी भी मिल गई थी छुट्टी भी पास हो गई थी लेकिन अचानक कर्नल बुलाया और बोला कि रामनाथ खुफिया विभाग से कुछ पता चला है कि पाकिस्तान से उग्रवादी आकर हमारे हिंदुस्तान में बंकर बनाकर छुपे हुए हैं ऑपरेशन करना जरूरी है तुम सुबह में अपनी बटालियन को लेकर निकल जाओ सलूट मार करके वो जवान जवाब दिया कि साहब आप ही ने तो मेरा छुट्टी पास किया है 7 तारीख को मैं यहाँ से चला जाऊंगा 8 तारीख को शामों शाम तक हमें घर पहुंचना है नहीं तो 9 को सुबह तक साहब जाना है मेरी बेटी हुई है और उस बेटी का मुहूर्त देखना है कर्नल बोला कि हाँ यार तुम्हें तो छुट्टी भी पास हो गई है लेकिन तुरंत संभल कर कर्नल बोला कि देखो एक काम करो रामनाथ अपनी बटालियन लेकर तुम इस रात को कुछ कर जाओ और 7 को तुम्हारी छुट्टी है 5 तारीख को तुम्हें वापस मैं बुला लूंगा तुम चले आना मैं दूसरी बटालियन भेज दूंगा बाबा जवानी की जोश थी देश के लिए जज्बा था क्या है पूछना क्या था रामनाथ अपनी बटालियन को लेकर चल दिया पहुंच गया 3 तारीख को रात में पहुंचा है 6 बजे विसिल फूंक दिया कारगिल के मैदान में कारगिल की पहाड़ियों में विसिल फूंक करके बोला कि ऑपरेशन चालू बटालियन को लेकर 4 बजे 4 तारीख को सुबह में चल पड़ा लेकिन कैसे चलता है जवान कभी जी भाव दिए हैं क्या अरे मकरंद बिहू के अब मकरंद बिहू के अंदर सो गया दिन कर यस्त हुआ मुंह जलत किया है बंद जब चलल बा जवान तो भयल का बाबू यारे गरजल बा जवानवा बाजी
जारी बढ़ जा देखा अब उठा ला कभी जी बीरा चढ़ा दियलन। जब बटालियन को लेकर चला है ऑपरेशन करने के लिए उस समय कभी को भाव देना पड़ा क्या कि अरे गरज जावा नवा बाजी भैया भैया ई है प्यार बा दुलार बा एकरा से ही मत समझ लो कि हम बिरावा काम कर दे दे ला सबके लिख लेना 100 रुपया का पुरस्कार सतीश यादव गाजीपुर से 100 रुपया का पुरस्कार पुनः बब्बू बाबा बाबा जोगेश्वर नाथ भैया 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 सबसे बड़का हथियार भाई है भाई देखा हमारे 4 तारीख को अच्छा एक सूचना है 500 रुपया पुरस्कार दे करके समाजवादी पार्टी मीरा भयंदर उमेश यादव ना और एक सूचना है 4 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी शाइन में आ रहे हैं आप लोग ज्यादा से ज्यादा जा करके और अखिलेश भैया का मान सम्मान बढ़ाइएगा क्योंकि आने वाला दिन होगा अखिलेश का चला गया जोगी राज आएगा अखिलेश राज और उत्तर प्रदेश के लोग तब करेंगे राज क्या बात है तनी बात तब हमार सुन ला हमें से बात का कहानी हमार शुरुआत होगा हो तो कहानी मोड़ ले रही है चला है जवान अपनी बटालियन को लेकर जब बटालियन को लेकर चला है दो अपना नौजवानों को उत्साह भर रहा है कि आगे बढ़ो तब तक एक बात याद आ गई कौन बात याद आ गई बटे वह बात याद आ गई कि कैले बाले याद याद जो ए
रुपया का पुरस्कार पुनः देखकर के भैया हमरे ए उमेश यादव जी आप स्वागत किए हैं दोबारा पुरस्कार 500 रुपया देकर के। 4 फरवरी के साइन में माननीय उत्तर प्रदेश का आप लोगों का उगता हुआ सूरज, भूतपूर्व मुख्यमंत्री देश का होने वाला उगता हुआ देश के लिए सूरज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। आप लोग एक बार अखिलेश यादव के नाम पर ताली जोरदार लगा दीजिए। जय मुलायम, जय समाजवाद। 100 रुपए का पुरस्कार बब्बू बाबा, बाबा जोगेश्वर नाथ चकिया चंदौली नरियर पानी, स्वच्छता के ग्रांति है। सरोज यादव हमरे दोस्त फैटर के गांव से बहुत अपनी बटालियन को लेकर के चला है, आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, यहीं से फिर कहानी मोड़ लेती है। तब तक एक पहाड़ी के टीला पर उग्रवादी बैठा हुआ है दूरबीन लेकर के, दूरबीन से देख रहा है कि भारतीय फौजी इधर ही बढ़ते जा रहे हैं। समझ जाएंगे, जान जाएंगे कि हम लोग बंकर बनाकर छुपे हुए हैं। नतीजा निकला कि चारों तरफ से फौजियों को घिरवा लेता है। घिर गए, वो लोग ऊंचे पर थे, ये लोग नीचे पर थे। हमारे भारत की फौज रामनाथ के बटालियन नीचे थी और वो उग्रवादी पहाड़ी के चोटी पर थे। वहीं से गोली चलाना शुरू किए, दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी बाबू। लेकिन रामनाथ हौसला, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय नारा लगाता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, अपने जवानों को साहस दे रहा है। लेकिन वो चूंकि ऊंचाई पर थे और ये लोग नीचे थे, दूरबीन के सहारे राइफल, दूरबीन युक्त राइफल थी, एक का एक भारतीय सेना को लोग निशाना बनाने लगे। रामनाथ की बटालियन की फौज के जवान एक एक करके निशाना पर आते गए। नतीजा निकला कि रामनाथ के पूरी बटालियन के फौजी मार दिए गए, अकेला केवल रामनाथ बच गया। चारों तरफ से उग्रवादी घेर लिए, भैया चारों तरफ से उग्रवादी घेर लिया, अकेला रामनाथ बचा हुआ है। लेकिन भारत माँ की जय, इनकलाब जिंदाबाद नारा लगा रहा है और एक पहाड़ी की छोटी सी उसी के सहारा लेकर के मोर्चा संभाला हुआ है। कवि जी को लिखना पड़ा, देखें हुआ क्या बाबू, करता है क्या रामनाथ। कि जैसे अभिमनु चाकरा बिहू में घेराई गई है, रामनाथी जवान बोले इनकलाबी बोले, तबले बहिया में लागल गोली, सात उग्रवादी अनके कैलन निशन, मोर्चा संभाला ही था। अरे बच्चे, अरे लड़के बैठो ना। मोर्चा संभाला था, तब तक एक उग्रवादी की गोली आ करके बाएं कंधे में लगती है, चीर करके पार कर जाती है। जवान काला दुपट्टा बांधा था, बांध रखा था सर पर, वो काला दुपट्टा लेकर के तुरंत बांह को बांधा, फिर राइफल उठाता है और गोली चलाना शुरू किया।
देखें जान के मुंह सबके होके हर इंसान को जान का मुंह होता है बाबू। एक गोली लगी है, गोली लगने के बाद उस समय तीन उग्रवादियों को मारा है रामनाथ, तीन उग्रवादियों को ढेर किया। मोर्चा संभाल करके बगल में झाड़ी थी, सोचता है कि चल करके झाड़ी में छुप करके गोली चलाऊं। बाबा देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी तो आए थे वहां से, वो कह रहे थे इस बात को। जब ही उठ करके वहां से झाड़ी की ओर भागना चाहता है, तब तक होता है क्या बाबू कि गैले लड़खड़ाई शेरा, गैले लड़खड़ाई शेरा धरती पर गिरी गैले, शोक सरिता में डूबली धरती गगनावा। सरे उग्रवादी की गोली आ करके दाहिने जंघे को चीर करके पार कर जाती है। अब तो दो दो गोली लग चुकी है जवान, ऐ सिटिनर यार, दो दो गोली लगी है जवान, लड़खड़ा करके झाड़ी तर जाते जाते गिर जाता है। तब तक जो ही गिरा है, तीसरी गोली आ करके दाहिने कंधे को चीर करके पार करती है। तीन गोली लगी थी, जब दोनों हाथ काम करना बंद कर दिया, एक पैर काम करना बंद कर दिया, खून से लथपथ है रामनाथ और झाड़ी में जाकर के छुपा हुआ है, झाड़ी में गिर चुका है, उसी में लथपथ है खून से। लेकिन मुंह से आवाज आ रही है, कौन सी आवाज आ रही है? इनकलाब जिंदा बंद हो रही है, खून से लथपथ है रामनाथ, लेकिन दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा है झाड़ी में, सोच रहा है कि अब मैं बचूंगा नहीं, मैं मर जाऊंगा। लेकिन मरते मरते अचानक उसके दिमाग में एक बात आ गई कि अरे यार, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो अपनी बेटी से वादा किया है कि बेटी तेरा मुख देखने के लिए आऊंगा। हाय हाय हाय, रामनाथ की आंखें खुल जाती है और नहीं चाहते हुए भी रामनाथ की आंखों से आंसू छलक पड़ा। देखिए अपना औलाद, औलाद का गम फौलाद को भी पानी बना देता है। रामनाथ के आंखों से आंसू छलक पड़ा बाबू, झाड़ी में गिरा हुआ है, खून से लथपथ है जवान। बेटी जब याद आती है कि ओए 8 तारीख को तो मुझे जाना है, 9 तारीख का बेटी का मुहूर्त है, मैं वादा किया हूँ, लेकिन शायद अब मैं नहीं जा पाऊंगा। फिर दिमाग काम करता है कि अरे नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन मेरी लाश तो घर जाएगी, मेरी लाश तो घर कोई लेकर के जाएगा, क्यों ना मैं अपनी बेटी के नाम से खत लिख दूं। बारे फौजी जवान तुरंत खून से लथपथ हाथ है, पॉकेट में हाथ डालता है, कागज का टुकड़ा निकालता है और खूनी हाथों से पत्र लिखना शुरू किया। आंखों में आंसू है, आंसू छलक रहे हैं गालों पर, दर्द से कड़ा रहा है, लेकिन बेटी के नाम से पत्र लिखता है रो रोकर की बेटी, अब मैं तेरा मुर नहीं देख पाऊंगा, मैं तेरे मुर देखने के लिए नहीं आऊंगा। क्यों क्यों नहीं आऊंगा बेटी, मुझे माफ कर देना। क्या लिखता है रो करके वो जवान? यही रो करके वो जवान लिखता है कि बोला कैसे सताईसा में, बोला कैसे सताईसा में आई बुहो बेटी हमके सुतावली धरती माई।
लथपथ है रामनाथ, दर्द से करा रहा है, अंतिम घड़ी है, सामने मौत नाच रही है कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन दिमाग कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। फौलाद का गम, फौलाद का औलाद का गम फौलाद को पानी बनाया है। वो फौजी जवान हिम्मत बहुत किया है, लेकिन हिम्मत काम नहीं किया, टूट गया औलाद के सामने। कहा कि बेटी मुझे माफ कर देना, मैं तेरे मुंह देखने के लिए आता, लेकिन अखिया मुदा लेना निकलत बाबोली, अरे आज होत बाटे हमरो विदाई से कि हमके सुतवली भद्दी माई, आज होत बाटे हमरो विदाई से कि हमके सुतवली भद्दी माई, आज होत बाटे हमरो विदाई से कि हमके सुतवली भद्दी माई। यही लाइन लिखा था और लिखते लिखते उसके प्राण पखेरु झाड़ी में उड़ गए, अंतिम दम तोड़ दिया। बाबा हेड ऑफिस में पता चला है रामनाथ की पूरी बटालियन मार दी गई, उग्रवादियों के हाथों मारे गए, सब शहीद हो गए देश के लिए। आता है हेलीकॉप्टर से कर्नल, जब अपनी दूसरी टुकड़ी लेकर के आया, कहीं किसी की लाश है, कहीं किसी की लाश है, रामनाथ की लाश नहीं मिल रही है भाई, वो भी शहीद हो गया है। खोजते खोजते एक जवान आवाज दिया कि साहब, खून का धार देख करके गया था, बोला कि साहब रामनाथ की यहाँ लाश पड़ी हुई है, यहाँ शहीद हुआ है। कर्नल जाकर जब देखता है बाबू, देखता है कि हाथों में कागज का टुकड़ा है और कलम है, उसी तरह से अपने अंतिम दम तोड़ा है रामनाथ। सोच रहा है कर्नल कि शायद अंतिम समय कुछ बताना चाहता था रामनाथ। जब जाकर कागज के टुकड़ा को पढ़ा है, नहीं चाहते हुए भी वो अधिकारी रो पड़ा बाबू, क्योंकि वही अधिकारी उसका छुट्टी पास किया था। कहा कि काश अगर रामनाथ की बटालियन को मैं नहीं भेजकर दूसरी बटालियन भेज देता, तो शायद रामनाथ अपनी बेटी की मूर्ति देख सकता था। सभी की लाश पहुंचाई गई। वो बोला अधिकारी कि रामनाथ की लाश भी जाएगी, जिंदा मुर नहीं देखा रामनाथ, लेकिन ऐन मौका पर रामनाथ की लाश जाएगी, जिस दिन बेटी का मुर है। बाबा याद करें बाबू, 9 तारीख को और रामनाथ की लाश आई विशेष विमान से, इसी बनारस के बाबतपुर हवाई अड्डे पर उतारी गई, यहाँ से बाई रोड चली है, बलिया जाती है, बलिया से डीएम एसपी सभी लोग लेकर के मनियर थाने पर पहुंचे। ओहर के स्थिति का बा, खुशी का माहौल रामनाथ के घर में मचल बा, कौनो घर में सोहर होत बा, कौनो घर में मेहरारू लड़का के लेके खिलावत हैं, कौनो घर में पवरिया गावत हुन, द्वारे पर भाई भवत खात हुन, रही रही बड़का भैया जगदेव पहलवान पूछत हो कि का ऋषि कुमार ओकर फोनो हो नहीं खेलागत रामनाथ के, आ का कर ले रहा तोरा से आई कि का करी, अब टाइम भी बीतल जात बा। रही रही भैनवा समझाओता कि मामा तू मत घबरा, मामा जरूर रही हमसे बात है, कल उम्र कि हम सवेरे तक 9 तारीख के चली आई, घबरा मत तू, कहीं गाड़ी उड़ी लेट हो गई उ अहन जरूर। अच्छा तब तक रामनाथ के वही दुआरे पर आगे आगे थाने की गाड़ी, पीछे से DMSP और उसके पीछे वही जिप्सी में ताबूत में बंद करके रामनाथ की लाश तिरंगा झंडा में उड़ा करके और जिप्सी पर ले करके फौजी जवान पहुंचे हैं। रामनाथ यादव के यही घर है, देख ले ले बा भैनवा, देख ले कि फौजी जवान उतरत हुन, पुलिस उतरत हुन, ओकरा विश्वास हो गई कि हो न हो मामा आ गईलन। अब देखा लड़का के स्वभाव ओहन के पुलिस के लगे नहीं जात, उ घरवा में जाके अपने मामी से रामनाथ के औरत से बतावत था कि ये मामी अब जल्दी तैयारी कला मूर देखे के मामा आ गईलन।
27 दिन के बेटी के लेके रामनाथ के औरत स्तन पकड़ोवले बे, 27 दिन के बिटिया माई के स्तन पकड़ के चुटुर चुटुर पियत बे। कई के भागल बा दुआरे कि हम जात बानी मामा का सर समान उतारे के बा गाड़ी से आई ढोंगन जा। यह रामनाथ के औरत बेटी का चीना से लगौले हैं आ दुआरी पर खड़ा होके पर्दा हटा के देखत हैं कि ए भाई बहुत लोग लौकत हुआ कुल मिलिट्री के फौजी जवान लौकत हुआ लेकिन वो ना लौकत हुआ। तब तक पहुंचा है उन जवानों के नज़दीक श्री कुमार नाम का ये बहने और ताबूत से जब फौजी ताबूत उतारने लगे गाड़ी से ताबूत जब उतारे फौजी उस ताबूत पर तिरंगा झंडा लपेट करके लिखा हुआ था अमर शहीद रामनाथ यादव। अरे बाप रे बाप पढ़ल लिखल लड़का श्री कुमार जी वही देखलस कि अमर शहीद रामनाथ यादव हाकार मार के छाती पीट के गिरल बा। सब लोग दौड़लन जे जहे बा का भइल भैया का भइल कैसन बात बा। जे आवे देखे रामनाथ के वही ताबूत के अवते सब गमगीन हो जाए। जहां अभी खुशी का माहौल था 2 मिनट के अंदर मातम छा गया बाबू। घरवा में मेहरारू सोचे थे श्री कुमारी देवी रामनाथ कवरत सोचे थे कि ये भाई बात का बा जे जाता थे वो या गमगीन हो जात बा सब चिल्लाए लगत बा रोए गावे लगत बा का कैसन बात बा ना बर्दाश्त कैली ना। 27 दिन के बिटिया के लेके वो मेहरारू देहात का गांव गवई के रहे वाली चल न आई हो आके पूछतिया कि ये भैया का भय। देखा है साहब जो बड़ा साहब अधिकारी था देख करके बोला कि शायद आप रामनाथ जी की औरत हैं। कलश के हाँ हम ही हैं भैया उनकर औरत हम ही हैं अला ना ना का बाकस बाकस में भेजले हुआ का गांव देहात के मेहरारू कहा जा मत दे कलश की बाकस भेजले हुआ का सामान भेजले हुआ बाकस में उनाई लेना। जितने फौजी थे बाबू आंखों से आंसू छलक पड़ा। सभी लोग अपना अपना टोपी उतारे हुए हैं क्या कहें किसी के मुंह से आवाज नहीं आ रही है। एक बार वही शख्स जो अधिकारी था बोला कि माफ करना भाभी रामनाथ भैया बड़ी हिम्मत के साथ बड़ी कम आदमी को मौका मिलता है बड़ी कम फौजियों को मौका ये मिलता है हमारा भाई हिंदुस्तान के लिए हिम्मत से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। क्या जमाना है क्या जमाना है। एक फौजी जवान शहीद हुआ है और आप फंस रहे हैं। यही दुनिया है यही दुनिया है। वो फौजी जवान आपका भाई हो सकता है आपका बेटा हो सकता है लीला फंस रहे हैं। कितनी आपकी खुशी के दिल में खुशी है आपकी वो भी 26 जनवरी के दिन। लानत है ऐसी खुशी पर महाराज जो आप हंसते हैं लानत है ऐसी खुशी पर। मैं बिरह गाऊं या नहीं गाऊं लानत है ऐसे लोगों पर। एक मेरा भाई फौजी वीरगति को प्राप्त हुआ शहीद हुआ और आपको हंसी आ रही है। नहीं नहीं उसी वही उसी उसी आदमी को कह रहा हूं जो आदमी चिल्लाया है हैं बहुत लोग हैं ऐसे ऐसे बहुत लोग हैं। खैर उनसे हमको कुछ लेना देना नहीं है। मेरारू एक बार अवाक हो गई बाबू देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी। धन्य है वो माँ धन्य वो औरत और धन्य उस औरत की माँ जो ऐसी बेटी को जन्म दी है। देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी कह रहे थे उसके आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आया। लोग कहने लगे कि कहीं पागल तो नहीं हो जाएगी ये। 2 मिनट के बाद वो कहती है मायूस होकर के कि मेरा पति वीर गति को प्राप्त हो गया। एक बार साहब बकसवा से निकाल के तनी दिखा दिया जाए हमीद
देखल चाहत बानी की गोलियां कहां कहां लगल बा। देखे कितनी हिम्मत की बात औरत करती है। कॉलेज के हम देखल चाहत आने की गोलियां कहां लगल बा, छाती में लगल बा आ कि इनका पीछ में लागल बा। अगर छाती में लागल होई तो हम समझब कि हमार मरद लड़त लड़त बीच गति की प्राप्त भइल बा। अगर पीठ में गोली लगी होगी तो मुझे दुख होगा कि मेरा पति भागता हुआ मारा गया है, वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ है। इतनी बात ऊंची कहती है। ताबूत से निकाला गया, निकाली गई लाश और जब देखा गया बाबू तो जितनी तीन गोलियां जो लगी थी सामने सीने में, सीने की ओर से लगी थी, सामने से लगी थी। तब वो औरत नहीं बर्दाश्त कर पाई क्योंकि उसका पति वीर गति को प्राप्त हुआ था। 27 दिन का बिटिया का लेके आ वही अस्तन के छोड़ा के उनके लाश पर सुता दिया रामनाथ के। लाश पर सुता के पैर पकड़ के रो के कही बात कहले बे, हमारे विवाह का अंतिम कड़ी बा लेकिन पूरा इतने में बा, का कहले बे रोके रोवत में कहत भी कि रोवे माया नवा धाई के चरणवा, रोवे माया नवा धाई के चरणवा, सैया सपनावा भैला हो, सैया सपनावा खुशी बा कि तू वीर गति के प्राप्त हो गईला, देश के कामे आ गईला। कहीं जाई केहू पूछे कि तू के हू हो तो बड़ी गर्व से हम छाती उतान करके कहब कि हम शहीद रामनाथ के विधवा मेहरारू हैं। हमके दुख ना बा कि तू वीर गति के प्राप्त हो गईला, लेकिन एगो दुख जरूर बा का कि देखहू ना बबला अपने बिटिया का चेहरा, जब पोष पाल के तार बेटी हम जवान करब, जब ब्याह लायक होई एकर शादी तय करब, तके ही बधाई आई है बरतिया तपादी के सहारा। उठाई गई और बलिया श्मशान घाट पर लाई गई। बलिया से लेकर के चंदू पाकड़ चट्टी तक देखने वालों का तांता लगा हुआ था, भीड़ लगी हुई थी। उल्टा राइफल से सलामी दागी गई। सरकारी व्यवस्था के अनुसार जो कुछ हुआ रामनाथ को औरत को दिया गया। आज भी वो लड़की जिंदा है, वो तो बड़ी हो चुकी है। हम लोग पूछते हैं ₹100 का पुरस्कार ए करुण भाव पर विनोद कुमार यादव बसखारी गाजीपुर से। भैया भैया के बहुत बहुत प्रणाम, बा मालिक सुखी रखें। ₹51 का पुरस्कार मनोरंजन राजभर गाजीपुर से, बहुत बहुत प्रणाम, बा मालिक सुखी रखे। सब भैया लोगों के नमस्कार, प्रणाम, बा आशीर्वाद में शांति दिए। और कैमूर जिला भगुआ से भैया हमारे उपेंद्र सिंह ए भाव पर देहलन है। ₹100 का पुरस्कार नीबू नारायण यादव
कैमूर से दिया लेना भाई लोगन के बहुत बहुत प्रणाम बा। हमारे बिरहा का मेन सरांश बा भैया, 2 मिनट हमारे बिरहा के और लगी, 2 मिनट में अंतिम कड़ी चलत हो। दिया गया सरकारी व्यवस्था के अनुसार जो राशि हुई रामनाथ की औरत को दिया गया, आज वो लड़की बड़ी हो चुकी है। लेकिन देखिए धन्य वो औरत, अपनी बेटी को भी क्या शिक्षा दी है। हम लोग जाते हैं कभी बिरहा गाने के लिए, उधर जाते हैं उनके घर पर, पूछते हैं कि बेटी तुम क्या करना चाहती हो, कहती है वो बेटी कि मैं फौज में भर्ती होना चाहती हूँ और अपने पापा की बदला लेना चाहती हूँ उन उग्रवादियों से। धन्य वो माँ जो ऐसी बेटी को जन्म दी है। आखिरकार ये उग्रवाद कब तक चलता रहेगा, कितने दिन चलता रहेगा? आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सरहद पर हमारा भाई हमारा बेटा रोज मारा जा रहा है, रोज 2 ठो लाश 3 ठो लाश गिर रही है, रोज जवान वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? देश के लिए। आज फौजियों जवानों के लिए अगर कोई कुछ किया है, कौन किया है? अगर फौजियों के लिए कोई कुछ किया है तो उसका नाम है मुलायम सिंह यादव। कोई फौजी शहीद हो जाता था उसके रैंक के अनुसार उसे पैसा दी जाती थी, किसी को 1 लाख रुपया, किसी को 3 लाख रुपया, किसी को 5 लाख रुपया। जब हमारे उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुंदर पुष्पहार 201 रुपया का पुरस्कार, भैया पन्ना लाल जी आपके तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, ब मालिक सुखी रखें, आशीर्वाद में शांति देंगे। तो जब उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी रक्षा मंत्री हुए, जब इस व्यवस्था को देखे तो बोले कि अरे भाई ये कैसा कानून है कि एक कर्नल मरता है तो उसे 5 लाख, एक कर्नल शहीद होता है तो उसे 5 लाख दिया जाता है, और उसी जगह पर एक चौकीदार शहीद होता है तो एक सिपाही शहीद होता है तो उसे 1 लाख दिया जाता है, ये कैसा कानून है? कोई शहीद हो जाता था फौजी जवान, उसकी टोपी उसकी वर्दी उसका जूता पहुंचा दिया जाता था घर, उसी को देख करके लोग काम कर दिया करते थे। लेकिन मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री हुए तो सब कानून को तोड़ करके एक नया कानून बनाए कि कोई भी जवान शहीद होगा, चाहे वो फौज का सिपाही हो चाहे वो फौज का कर्नल ही क्यों ना हो, अगर कोई शहीद होता है तो उसको उसके परिजनों को 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ये मुलायम सिंह यादव ने बनाया है और उसकी लाश बाइज्जत उसके घर पर पहुंचाई जाएगी। वही अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्हीं के कार्यकाल में, जब मुख्यमंत्री हुए तो अपने कार्यकाल में अखिलेश यादव 10 लाख से करके आज 25 लाख रुपया 10 लाख फौजी जवानों के लिए किए हैं। तो ये रहा एक फौजी की जिंदगी। अच्छा ए अब बलिया जिला से लाल जी भैया हमारे दिया नाम, बहुत बहुत प्रणाम बाप बेलथरा रोड, और महेंद्र भैया और पता एक बात कहे कहो गाना के अंतिम लाइन में, यह जवानन के एक थे सोच बा, हमारे फौजी जवानों का एक इच्छा है, कौन सी इच्छा है? ए 201 रुपए का पुरस्कार वीरेंद्र यादव जी मधुबन मऊ मधुबन। अच्छा वीरेंद्र यादव जी मऊ मधुबन विक्टोरिया दीवारा, भैया के बहुत बहुत प्रणाम, मालिक सुखी रखे। कहल गई का फौजियन का सपना बा, कहना बा का कि अगर तू आज नहीं
सिंह और रक्षा मंत्री बनकर चले आए। फौजियों का सपना है कि फौजियों के लिए कुछ कर दें। तो ई रहा एक फौजी की जिंदगी। वो फौजी कौन है? हम आप घर में सोते हैं, हम आप घर में सोते हैं, लेकिन वो फौजी हमारा भाई है। दिन रात जाड़ा गर्मी बरसात जा करके वो सरहदे हिंद की रक्षा करता है। तब हम आप घर में सोते हैं, चैन की नींद सोते हैं। 100 रुपए का पुरस्कार। सोनू यादव भैया जौनपुर से बहुत बहुत प्रणाम बा। और ये सुंदर पुष्पहार और 200 रुपए का पुरस्कार हमारे जेपी भाई अजीज मित्र हैं, साथी हैं और हमारे साथ काम भी किए हैं मूवी में। 100 रुपए का पुरस्कार राकेश कुमार यादव अंबेडकर नगर से, अकबरपुर अंबेडकर नगर। भैया के बहुत बहुत प्रणाम, मालिक सुखी रखे, आशीर्वाद में शांत। ये है एक फौजी की जिंदगी। यही से ए बिरहा का शीर्षक रख ले बानी, एगो फौजी का जिंदगी। एगो फौजी का जिंदगी का होला गाना के अंतिम लाइन में कहल गिल का, जय जखाड़ गुरु जब तू लौटन की लहरे फुलवारे, कथन करे कभी श्याम जब मितवा यवत बिहारी।